औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। दोस्तों, मर्ज़ की तशख़ीस के बाद दवा की तजवीज़ का मरहला बेहद अहम होता है और अगर कोई तबीब दवा की तजवीज़ पर मर्ज़ के दर्जा के मुताबिक अबूर नहीं रखता तो ऐसा तबीब कामयाब मुआलजा कभी नहीं कर सकता। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज हम कानून मुफरत अज़ा की क्लास नंबर 38 में आसाबी गुदे, मुसहिल, अक्सीर और तरियाक दवा के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे कि मुसहिल दवा कौन सी होती है, उसके अज्ज़ा कौन कौन से होते हैं, उनमें तरतीब कैसे कायम रखी जाती है, इन अज्ज़ा को किस निस्बत से मिलाया जाता है, किस मकदार ख़ुराक में इस्तेमाल कराया जाता है और किस मौके पर इस्तेमाल करवाया जाता है। तो दोस्तों, इसमें आज हम आसाबी गुदे मुसहिल, आसाबी गुदे अक्सीर और आसाबी गुदे तरियाक दवा के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आसाबी गुदे मुसहिल की तारीफ पढ़ लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम मुसहिल दवा की तारीफ़ पढ़ेंगे कि मुसहिल दवा कौन सी होती है और मर्ज़ के कौन से दर्जे पर इसे इस्तेमाल करवाया जाता है। तो मुसहिल दवा की तारीफ़ ये होती है कि मुसहिल दवा ऐसी दवा होती है जो किसी मुफरिद उज़्व में तहरीक लाने के साथ साथ इसमें रुके हुए फासिद मादों को इंतहाई तेज़ी के साथ खारिज करने की सलाहियत रखती है ताकि मर्ज को यानी उज्व को तबाह होने से बचाया जा सके। तो ये हो गई मुसहिल दवा की तारीफ़। अब हम ये देखते हैं कि मुसहिल दवा के अज्ज़ा कौन कौन से हैं। मुसहिल दवा के अज्ज़ा दर्ज ज़ैल हैं। इसमें सुहागा बरियां 7 तोले, मुलठी का सफूफ 7 तोले, शीरे मदार आधा तोला, रेवंद चीनी 4 तोला और सकमोनिया 5 तोला शामिल हैं। इन तमाम अज्ज़ा को साफ़ सुथरा करके इंतहाई बारीक पाउडर कर लें और 2 रत्ती से 7 माशे तक इसकी मकदार ख़ुराक होगी। तो ये हो गई आसाबी गुदे मुसहिल दवा। आसाबी गुदे मुसहिल दवा आसाब में रुके हुए फासिद मादों को खारिज करने की सलाहियत रखती है। अब हम चलते हैं आसाबी गुदे अक्सीर दवा की तरफ और इसमें हम पढ़ते हैं कि अक्सीर दवा कौन सी होती है। अक्सीर दवा ऐसी दवा होती है जो उस वक्त इस्तेमाल करवाई जाती है जब मरीज़ की जान के तल्फ होने का अंदेशा हो। तो मरीज़ की जान बचाने के लिए इस्तेमाल होने वाली दवा अक्सीर दवा कहलाती है। अब हम ये देख लेते हैं जी कि आसाबी गुदे अक्सीर दवा के अज्ज़ा कौन कौन से हैं। ठीक है जी, इसमें हिजरुल यहूद 6 माशा है, कहरबा शमाई 6 माशा है और नुशादर ठिकरी 6 माशा है। दाना इलायची खुर्द यानी सब्ज़ इलायची के दाने लेने हैं, छिलका फेंक देना है, ये भी 6 माशा है और चीनी जो है वो 2 तोला है। ठीक है जी, तमाम अज्ज़ा को कम अज़ कम 1 घंटा खूब ज़ोरदार हाथों से खरल कर लें तो आसाबी गुदे अक्सीर दवा तैयार है। इसकी जो मकदार ख़ुराक होगी वो 1 ता 3 माशा सुबह दोपहर शाम या हिस्बे ज़रूरत होती है। ये याद रखें कि जो अक्सीर दवा होती है उसका मौका इस्तेमाल नज़दीक नज़दीक होता है, हत्ता के 2-2 मिनट बाद, 5-5 मिनट बाद भी दवा देने की ज़रूरत पेश आती है और जैसे जैसे मर्ज़ की शिद्दत कम होती जाती है दवा के इस्तेमाल का वक्फ़ा बढ़ता चला जाता है।
यानी जो दवा हम दो मिनट बाद दे रहे थे, जैसे ही मरीज़ की तबीयत संभलेगी हम उसका वक्फा 10 मिनट 20 मिनट एक घंटा दो घंटे पाँच घंटे कर देंगे। अब हम तीसरे नंबर पर देखते हैं जी आसाबी गोदी तरियाक दवा। तरियाक दवा की सबसे पहले तारीफ़ कर लें कि तरियाक दवा ऐसी दवा होती है जो कि जिस्म में जहरों के असरात को ख़त्म करने वाली होती है। तरियाक दवा के बारे में एक बात जहन नशीन कर लें कि तरियाक दवा खुद भी सुमियात यानी जहरों पर मुश्तमिल होती है, इसलिए तरियाक दवा को इस्तेमाल करने के लिए भरपूर तजर्बा होना बहुत ज़रूरी है, वरना यह दवा बजाय फ़ायदे के नुकसान भी दे सकती है कि जब जहरों के असरात ख़त्म हो जाएं लेकिन तरियाक दवा का इस्तेमाल जारी रखा जाए तो यही तरियाक दवा ही जहर बनकर इंसानी जिस्म को तबाह व बर्बाद कर देती है। इसलिए वो अतिबा इकराम जो कि अभी शुबा तिब में नए हैं, महारत नहीं रखते, तो वो इन अक्सीर और तरियाक अद्वियात को निहायत ही एहतियात के साथ इस्तेमाल करें। अब हम ये देख लेते हैं जी के असाबी गोदी तरियाक दवा के अज्जा कौन से हैं। असाबी गोदी तरियाक दो अद्वियात पर मुश्तमिल है। पहले नंबर पर शीरमदार है, ये एक हिस्सा लेना है, और हल्दी 15 हिस्से लेनी है। इन दोनों को ज़ोरदार हाथों से इंतहाई हद तक आधे घंटे तक खरल कर लें कि शीर मदार जो है वो यकसा तौर पर हल्दी में जज़ब हो जाए, ऐसा ना हो कि शीर मदार की मकदार कहीं ज़्यादा रह जाए और कहीं कम रह जाए, यानी पूरे हल्दी के सफूफ में शीर मदार यकसा तौर पर जज़ब हो जाए। तो ये दवा तैयार है और इसकी जो मकदार ख़ुराक है वो दो चावल से लेके एक माशे तक इसकी मकदार ख़ुराक होती है। तो दोस्तों आसाबी गोदी अद्वियात इंसानी जिस्म में खिलत बलगम को पैदा करने के साथ साथ जिस्म में रोकती भी हैं, यानी ये गर्म रतूबात होती हैं जो कि इंसानी जिस्म में इंतहाई सुकेड़ की हालत को दूर कर देती हैं। ठीक है जी, जिस्म में किसी भी हिस्से से खून आने को मुफीद होती हैं, मुदरे बॉल होती हैं यानी पेशाब लाती हैं, हाई ब्लड प्रेशर एलर्जी ऐसी ख़तरनाक अमराज को दूर करने वाली होती हैं। तो दोस्तों इसमें हमने अद्वियात के अज्जा भी बताए, तैयारी का तरीका भी बताया और कब इस्तेमाल करनी है कौन सी दवा वो भी आपको बताई। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। इंशाल्लाह इसके बारे में आपका कोई भी सवाल हो लाजमी कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको उसका जवाब दिया जाएगा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिस्तान जिंदाबाद।